हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम आए हुए हैं भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में, जो कि दिल्ली में हमारा लगा हुआ है। तो आज हमारे पास है भाई टाटा हैरियर डॉट ईवी, और ये एक कॉन्सेप्ट कार है जो टाटा ने यहाँ पर अपनी दिखाई है कि भाई टाटा हैरियर डॉट ईवी टाटा कुछ टाइम में लॉन्च करने वाली है ये कार। तो आज मैं आपको इसका फुल डिटेल वॉक अराउंड दूंगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर का, और बताऊंगा इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा और कितनी रेंज मिल जाएगी इसमें आपको। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस कार के डिटेल वॉक अराउंड से। तो पहले फ्रंट की बात करेंगे, तो फ्रंट में आपको कनेक्टेड DRL मिल जाएगी, सेम आपको टाटा हैरियर वाली कनेक्टेड DRL मिल जाएगी। बाकी आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा और टाटा का लोगो मिल जाएगा। बाकी इसके अंदर आपको रेडार मिल जाएगा, तो सेम बात है भाई, ऊपर की साइड में भी एडास मिल जाएगा। तो भाई यहाँ देखा जा रहा है कि टाटा हैरियर डॉट ईवी में आपको एडास लेवल 2 एडास मिल जाएगा। बाकी फ्रंट में आपको 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। बाकी यार ये जो ग्रिल देख रहे हो ना यार, अलग लेवल की लग रही है। और इसमें आपको LED में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, और एक आपको देख सकते हैं फॉग लैम्प मिल जाएगा इस कार के अंदर। तो फ्रंट में ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, और ये जो कलर है ना ये नेक्स्ट लेवल कलर लग रहा है। अब इस कार के साइड प्रोफाइल पे चल लेते हैं कि साइड प्रोफाइल में आपको कंपनी क्या क्या ऑफर करती है। तो पहले इसका टायर साइज की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपको 245, 55 और 19 इंचेस के एलॉय व्हील मिल जाएंगे। एलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है ना, नेक्स्ट लेवल भाई। फ्यूचरिस्टिक कार तो अब टाटा ही ला रहा है भाई मार्केट के अंदर, जो फ्यूचरिस्टिक कार जिसे हम बोलते थे ना फ्यूचर में ऐसी कार आएंगी, तो वो हमारे सामने है भाई, ऐसी कार्स अब आ रही हैं। और साइड में आपको डॉट ईवी की बैजिंग मिल जाएगी, और दिख रहा होगा आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, ORVM के साइड में आपको कैमरा मिल जाएगा। बाकी आपको बॉडी कलर्स के ही डोर हैंडल्स मिल जाएंगे इस कार के अंदर। तो यार कार ना अलग ही नेक्स्ट लेवल बना दी है। रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर में आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, रियर में आपको कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाएगी, जो कि सेम आपको टाटा हैरियर की तरह मिलती है, और ब्लैक कलर में आपको हैरियर डॉट ईवी की बैजिंग इस कार के अंदर मिल जाएगी। बाकी रियर ग्लास की बात करें तो एक आपको वाइपर मिल जाएगा, एक डिफॉगर मिल जाएगा, और अपर स्टॉप लैंप इस कार के अंदर मिल जाएगा। स्किड प्लेट देख सकते हैं आप, ये वाइट सिल्वर कलर की इसके अंदर मिल जाएगी, और रियर में आपको कैमरा मिल जाएगा, और 2 पार्किंग सेंसर्स इस कार के अंदर मिल जाएंगे। बाकी इंटीरियर की बात कर लेते हैं, तो एक बार आपको इंटीरियर में दिखा देता हूँ इस कार के। तो चलिए इंटीरियर यहाँ से ही दिखा देता हूँ मैं एक बार, देख सकते हैं आपको वाइट कलर का इंटीरियर एक बार दिखा देते हैं। इंटीरियर भी वाइट कलर का इंटीरियर मिलेगा कुछ, देख सकते हैं स्टेयरिंग व्हील आपको वाइट कलर में मिल रहा है, वाइट और ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा यार मज़ेदार गाड़ी बना रही है। 10.25 का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, और 10.25 इंच का इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा इस कार के अंदर। बाकी अब इसके अंदर आपको 240 से 250 किलोवाट का बैटरी पैक की कर रहे हैं एक्सपेक्ट की ये मिल जाएगा। और रेंज की बात करें ना, तो एक्सपेक्टेड रेंज जो सोची जा रही है 500 किलोमीटर की इसकी रेंज मिल जाएगी, जो कि टाटा की कार के अंदर जितनी भी कार्स हैं सबसे ज़्यादा रेंज आपको ये प्रोवाइड करके देगी कार। बाकी ये था इस कार का डिटेल वॉक अराउंड इंटीरियर और एक्सटीरियर का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।